ये इस वक्त हम मौजूद हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों लोगों की तादाद में जोहर के टाइम, जोहर की नमाज के बाद लोग ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। और इस वक्त हम गुज़र रहे हैं जाली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के खलीफा राशिदीन के जाली की ज़ियारत करते हुए, और हम इस जगह से जा रहे हैं। तो लिहाजा अब ये देख सकते हैं बहुत से लोग यहाँ पर दुरूद व सलाम पेश कर रहे हैं और बहुत से लोग यहाँ पर जाली की ज़ियारत कर रहे हैं। मैं भी यहाँ पर जाली की ज़ियारत के लिए आया हूँ। आप देख सकते हैं अंदर के मनाज़र, ये सैकड़ों लोग जो है यहाँ पर जो है जाली की ज़ियारत के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं कि जाली की ज़ियारत कर रहे हैं, सैकड़ों लोग जो कर रहे हैं यहाँ पर जाली की ज़ियारत, आप देख सकते हैं। और ये पीछे अभी भी देख सकते हैं कि सैकड़ों लोगों की तादाद मौजूद है और जाली की ज़ियारत कर रहे हैं लोग। जाली के पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफन है और दुनिया से पर्दा फरमा गए थे, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी यहीं मौजूद हैं, यहीं आराम फरमा रहे हैं। और तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहाते में जो है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये जाली मुबारक के अंदर ज़ियारत कर रहे हैं, और आपको दिखा रहे हैं टाइम्स ऑफ कराची के प्लेटफॉर्म से कि ये जाली मुबारक के पीछे जो है हमारे खलीफा राशिदीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं।